ब्लॉग, और ये है डे टू हट्टा का और फर्स्ट जन है। और हमारा जो न्यू ईयर का डे था बहुत ही सुंदर से स्टार्ट हुआ था, इस मॉर्निंग व्यू के साथ। बहुत ही खूबसूरत व्यू था उस दिन, एंड पहाड़ों के बीच में सन ऊपर धीरे धीरे आ रहा था। उसके बाद हम उठ के हमारा जो सामान था वो सब कुछ रख के हम निकल गए थे हट्टा डैम के लिए। एंड अगर आप ओवर नाइट स्टे करते हो ना यूए के कहीं भी जगह पे, तो आपका जो वॉशरूम वगैरह सुबह सुबह जाने के लिए आपका बेस्ट प्लेस रहेगा कोई भी पेट्रोल स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल स्टेशन रहता है ना वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रहता है। एंड आपको कॉफ़ी, टी, कुछ भी ब्रेकफास्ट करो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ A to Z। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो हमने भी वही किया था, वहीं पे जाके हम फ्रेश फ्रेश होके हम निकल गए थे हट्टा डैम के लिए। तो हम थे ओमान बॉर्डर के पास, बहुत ही करीब थे ओमान का, लेकिन अगर हम वहीं से हम 2 घंटा ड्राइव करके जाते तो हम ओमान भी पहुंच जाते, लेकिन ऐसा कुछ हमारा प्लान नहीं था। एंड हमारे पास पासपोर्ट नहीं था। अगर हमारे पास पासपोर्ट था तो हम उस दिन ज़रूर ओमान पहुंच जाते, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम कब जाएंगे ज़रूर ओमान, क्योंकि अभी टाइम है यूएई के अंदर, आप ड्राइविंग करके ओवरनाइट स्टे करके घूम सकते हो, क्योंकि अभी बहुत ठंड है यहाँ पे। तो हम पहुंच गए थे हट्टा डैम पे, लेकिन आपको अपना कार वहीं पे पार्क करके रखना पड़ेगा। एंड उनका एक बॉस है वो आपको ऊपर तक लेके जाएगा, एंड जीरो पैसा है यहाँ पे। आपको कुछ भी, एक भी रुपया आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हट्टा डैम के पास पहुंचने के बाद अगर आपको वहाँ पे जो वाटर एक्टिविटी रहता है ना, सब कुछ जो होता है वो अगर आपको करना पड़ेगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो हमने कुछ भी वाटर एक्टिविटी नहीं किया था, वो भी 2 रीज़न है। फर्स्ट है कि मुझे वाटर से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। एंड सेकेंड मतलब मुझे नींद इतना अच्छे से नहीं हुआ था जैसे हम घर पे सोते। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा बाहर नींद अच्छे से आता नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे हेडेक हो रहा था, तो मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि मुझे बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे नीचे सब कुछ आपको दिख रहा होगा, वहीं से आप ये डैम के अंदर आप ऐसे ही सब कुछ वाटर एक्टिविटी कर सकते हो। एंड ये सब कुछ बहुत सारे दुबई एंड शारजा में भी है, लेक वगैरह में, तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हमने अच्छे से हट्टा डैम घूमा और एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा प्लेस था, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है एंड बीच में ये डैम, बहुत ही सुंदर व्यू था। तो आप भी थोड़ा सा एंजॉय कीजिए हट्टा डैम को। उसके बाद हम निकल गए थे हट्टा हेरिटेज विलेज, और एक फोर्ट वहीं पे पास में था। उस दिन न्यू ईयर था, बहुत सारे जगह ओपन होना चाहिए, लेकिन हट्टा में और एक वाटरफॉल था बट वो उस दिन क्लोज था, तो हम वहाँ पे हम नहीं जा पाए। लेकिन हमने हेरिटेज विलेज और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं एक फोर्ट के ऊपर, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे। बट वहाँ से जो व्यू था बहुत ही सुंदर था, वहाँ से आपको पूरा हट्टा विलेज दिख जाएगा शायद। एंड हट्टा में बहुत सारे डेट्स होता है शायद, क्योंकि बहुत सारे डेट्स के जो पेड़ होता है ना वो वहाँ पे बहुत सारे था, तो आप भी देख लीजिए ऊपर का व्यू। शॉप्स वगैरह रहता है, कैसा घर होता है वो सब यहाँ पे था। बट ये जगह मुझे सबसे अच्छे लगी क्योंकि बहुत सुंदर है, और यहाँ पे अभी शॉप्स वगैरह क्लोज था। हम गए थे 11 12 बजे आसपास,
उस टाइम पे शायद बंद था या पता नहीं, ये शाम को ओपन होता है हमें कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हम शाम तक रहने वाले नहीं थे वहाँ पे, इसलिए हम अभी चले गए थे, लेकिन सारा सब कुछ क्लोज था एंड बिल्कुल वहाँ पे कोई है नहीं, हमें लगता था कोई नहीं था, हम दोनों और दो कपल थे वहाँ पे और कोई नहीं था, लेकिन यहाँ का जो वाइब है बहुत ही सुंदर, मतलब पहले लोग वहाँ पे ऐसे ही रहते थे, उनका जो लाइक नाइबर होते थे या फिर वो रहते थे ऐसे घर में, ये बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है, बहुत ही सुंदर जगह है एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसे शारजा दुबई में रहते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं एंड इतना ज़्यादा ठंड नहीं है। और फाइनली हमने हट्टा को बाय बाय बोल दिया, लेकिन अगर आप जा रहे हो हट्टा घूमने के लिए तो आपको गर्मी की कपड़े भी रखना पड़ेगा एंड ठंड की, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो आपको वेदर के हिसाब से कपड़ा पहन के घूमना पड़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा। बट और सारे प्लेसेस हम घूम नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे प्लेस क्लोज था उस दिन। तो बस ये था हमारा न्यू ईयर की जर्नी, तो हम ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, सो सी यू सून, टेक केयर एंड बाय बाय।